वही संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काली पूजा के महत्व के बारे में और साथ ही हम आपको बताएंगे उन पांच सावधानियों के बारे में जो हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, माँ काली का नाम सुनते ही सबसे पहले जो छवि दिमाग में बनती है वह है शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली को माना जाता है। माँ काली के शक्ति के यूं तो कई स्वरूप हैं, वही शुंभ निशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था, जिसके फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनको काली कहा जाने लगा। आगे हम बात करते हैं काली पूजा के महत्व की। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा उपासना से भय नाश, आरोग्य की प्राप्ति, स्वयं की रक्षा और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। यही नहीं, इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर भी समाप्त हो जाते हैं। बता दें कि माँ काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है। पाप ग्रहों विशेषकर राहु और केतु, शनि की शांति के लिए माँ काली की उपासना बहुत ही अचूक होती है। आगे हम बात करेंगे माँ काली की पूजा की विशेषता और उनकी सावधानियों के बारे में। माँ काली की उपासना दो प्रकार से होती है, सामान्य पूजा और तंत्र पूजा। देखा जाए तो सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना किसी गुरु के संरक्षण और निर्देश के नहीं की जा सकती। याद रखें कि माँ काली की उपासना का सबसे सही समय मध्य रात्रि यानी कि आधी रात माना जाता है। शुक्रवार के खास दिन पवित्र होकर हल्के लाल या गुलाबी कपड़े पहनकर माता के मंदिर में जाकर गूगल की धूप जलाएं और गुलाब की फूल भी चढ़ाएं। यही नहीं, माता की मूर्ति के पास बैठकर अपनी समस्याओं के खत्म करने की प्रार्थना भी करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माँ काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का महत्व बहुत ही खास होता है, इसलिए उन्हें अर्पित भी की जाती हैं। गौरतलब है कि माँ काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए करनी चाहिए, ना कि किसी के नाश अथवा मृत्यु के लिए। हम आपको बताएंगे कुछ खास मुसीबतों के बारे में, जिनसे बचने के लिए आप कैसे महाकाली की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुकदमे या फिर कर्जे की समस्या है तो आप पूरे 9 दिन देवी के सामने गूगल की सुगंध की धूप को पान के पत्ते पर रखकर जलाएं। वहीं अगर आप अपने मन की इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो लगातार 7 दिन माँ काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ उच्च स्वर में जरूर करें। नौकरी व्यापार और धन की समस्या को खत्म करने के लिए 11 या फिर 21 शुक्रवार माँ काली के मंदिर जाएं और लाल आसन पर बैठकर ओम क्रीम नमः इस मंत्र का 108 माला जाप जरूर करें। दोस्तों, वे संसार द्वारा बताए गए उपायों को ध्यान में रखकर पूरी श्रद्धा व सच्चे मन से माँ काली की उपासना करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी व साथ ही माँ के प्रसन्न होते ही माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा और नौकरी व्यापार और धन की समस्या तुरंत ही दूर हो जाएंगी। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय माँ काली। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।